प्लाजा मुर्दाबाद, टोल प्लाजा मुर्दाबाद, टोल प्लाजा मुर्दाबाद, लखनऊ टोल प्लाजा मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, लखनऊ टोल प्लाजा ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। टोल प्लाजा बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, लखनऊ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। टोल प्लाजा बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, इनकी बदमाशी नहीं चलेगी। टोल चक्का नहीं चलेगा, टोल प्लाजा नहीं चलेगा, टोल प्लाजा नहीं चलेगा, टोल प्लाजा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, टोल प्लाजा मुर्दाबाद। किया और शिष्टमंडल भी आपका म्युनिसिपल कमेटी में आया है, किस समस्या को लेकर आया है, क्या समस्या है आप? देखो, पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं, जो हमारी दर्द दिल की आवाज़ है हर लोगों तक बचाती है। हमारा पहला मिशन जो था म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन जो हमारे शर्मा जी से हैं, क्योंकि जहाँ म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन हैं बैठे हुए हैं, जहाँ टोल नहीं लग सकता है, फिर भी कुछ हमारे लोगों की कमजोरी की वजह से जो टोल लग चुका है। हमारी जो रूट की गाड़ी है वो जहाँ हटली लखनपुर माँ बसंतपुर करो तनोड जाती है, लोकल गाड़ी है। ये जो पहले भी टोल प्लाजा वाले रह चुके हैं, उन्होंने इन गाड़ियों को कभी कोई तंग नहीं किया कि जाओ और आओ, लेकिन जब से ये पार्टी जो आई है, जैसे लखनपुर की है, कहाँ की है, हम इनको नहीं जानते हैं, ना हम इनकी परवाह करते हैं, लेकिन ये कल परसों से हमारी गाड़ियों को इतना तंग कर रहे हैं, इतने रियासमेंट कर रहे हैं कि 145 में जाते दो, 145 में आते दो। आगे ही भगवान ने ऐसी मार दे चुके हैं कि लॉकडाउन 2-2.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है, अभी दोबारा शनि एतवार लॉकडाउन हो गया, हमारी जो गाड़ियां अभी चल रही हैं, शाम को हमारे को 100 रुपया नहीं बचता है, लेकिन हम 250-250 रुपया इनको टोल कहाँ से देंगे। हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है कि ये गुंडागर्दी जो आपने जम्मू कश्मीर में चला रखी है, इसको बंद करो, नहीं तो लोगों की आवाज़ इतनी बुलंद हो जाएगी कि आपको आपके दफ्तर में बैठने के लिए भी मजबूर हो जाओगे, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जुल्म किया है। सबसे जुल्म जो ये हुआ है कि हमारी मिंद्रा गाड़ी होती है, ट्रैक्टर होता है, लोकल मेट्रो होती है, जे के 8 नंबर जो कार होती है, वो हमारी गवर्नमेंट थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, राठौर साहब ने उस समय भी ये जेके 8 नंबर गाड़ी को माफ़ किया था, लेकिन जब से ये गुंडागर्दी आई है, इन्होंने हमारा कोई टोल माफ़ नहीं किया है और ना ही कर रहे हैं। इसलिए हमने अपना यूनियन कठुआ की तरफ से पूरी मिनी बस यूनियन आज पूरी बंद रखी है, जो लखनपुर कठुआ ग्रांग को चलती है। हमारी वजह से उन लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हमारी कुछ मजबूरी बन चुकी है। जब मेरी थाली से ही खाना चले जाएगा तो मैं लोगों को क्या देखूंगा। मेरे भाई जो सुबह से 5 बजे उठ के रोड पर चलते हैं, और जब लोग सोए होते हैं तो हमारी गाड़ी रोड पर होती है, जब लोग शाम को सोए होते हैं तो हमारी गाड़ी तब भी रोड होती है। मैं आज म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन से रिक्वेस्ट की है कि एसएचओ साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, वो अभी उन्होंने हमें टाइम दिया कि सुबह 11 बजे का टाइम दिया, अभी टाइम बहुत हो गया, शायद उनकी कोई मजबूरी बन गई है, कोई अफसर आ गए हैं बाहर से, उन्होंने कहा कि आधा घंटा घंटा हमारा वेट करो, उसके बाद हम बैठ के आपका मसला हल करते हैं। अगर हमारा मसला हल ना हुआ तो हम आप क्लियर एक बात कहने देते हैं, एक प्रामाणिक चेतावनी हमारी कि हम टोल प्लाजे आगे जितनी मेरी 200 या 250 मेट्रो है, मैं वहाँ पूरी लगा दूँगा। बाहर की गाड़ी कोई भी है, हम इधर इंटर नहीं होने देंगे, ये क्लियर कट मेरी बात है। हमने इनसे रिक्वेस्ट करके भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अब रिक्वेस्ट करने वाली बात नहीं है और ना हम रिक्वेस्ट करेंगे। इसलिए मैं आपने जो मुझे बख्श दिया तो मीडिया बंधुओं का मैं आपका बहुत दिल से शुक्रिया। मेरा नाम अजय कुमार है। किस समस्या को लेकर आपने यहाँ पर? सर, हमारी गाड़ी चलती है कठुआ से बसंतपुर, जो कि 2-3 दिन से जो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हम आपसे इतना टोल लेंगे, इतना टोल लेंगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं बनते हैं टोल देने के लिए। तो आज भी इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है कि हम आज टोल ले के ही रहेंगे। तो हम सभी आज इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इकट्ठे हुए हैं, म्युनिसिपल कमेटी के आगे आए हैं, इनसे भी बात हुई है, तो शायद आज मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी मांग नहीं पूरी की जाती तो हम रोड पर आ जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका और किस समस्या को लेकर आप? सर, मेरा नाम बोध राजा है, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कठुआ कांग्रेस पार्टी से हूँ। और आज जो मेरे जो भाई ऑटो ड्राइवर है, मेट्रो ड्राइवर है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, और हर एक जो अपने जो प्रधान है हमारे मेट्रो के, जो ट्रैक्टर के प्रधान है, जो हमारे ऑटो के प्रधान है, सभी इधर प्रधान आए हैं, सभी साथ मिलकर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी लखनपुर में हम इकट्ठे हुए हैं। सर, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है कि लोग जो आवाज़ उठाएं, फैसला वहीं हो,
जो लोग आवाज उठाए फैसला वही हो, चाहे पार्लियामेंट में जो लोग जो फैसला उठाते हैं वही कानून पास होते हैं। ये हमारी लखनऊ की धरती है, हम इधर के बसिंदे हैं, 19 पंचायतों के हम इधर, हमारे पंचायत सरपंच पंच और हमारे ऑटो ड्राइवर मेट्रो ड्राइवर इधर कटे हुए हैं, हमारी इधर जगह जमीने हैं, हम इधर रोज दिन के 4 बजे जाते हैं, शाम को आते हैं, दिन को भी आते हैं, रात को भी आते हैं। जो गुंडा इधर टोल लगाया है, टोल पहले गवर्नमेंट का था, अगर गवर्नमेंट का हटाया तो प्राइवेट क्यों लगाया, मैं पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से। लोग जो लोगों की दजियाँ उठा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, आज जो दुनिया जो ड्राइवर जिन्होंने अपने ऑटो लोन पर लिए हैं, मेट्रो लोन पर लिए हैं, ट्रैक्टर लोन पर लिए हैं, सभी इधर जो टोल हम दे देंगे तो लोग अपने जो बच्चों को क्या खिलाएंगे, और हम जो हमारी इनकम है टोटली 0% है, हमारी खेती बाड़ी है, हमारी पराली इधर आती है, दाने भी आते हैं। देखो इन्होंने दोनों जो रास्ते हैं ये दो प्लस किए हुए हैं, इधर जो रास्ता है जो हमारा रेलवे जो टैग रास्ता है इधर लोग परेशान किए इन्होंने, इस टोल प्लाजा ने जो हमारा नेशनल हाईवे जो टोल लगाया है, इस टोल प्लाजा ने जिसने अपने टेंड उठाया है, हम कहते हैं जे टोटल माफ होना चाहिए, जे के जो 8 जो गाड़ी है, चाहे मेंटोर है, चाहे ट्रैक्टर है, चाहे ऑटो है, चाहे हमारी एक बात हो रहा है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो RTO ऑफिस में जो रजिस्ट्रेशन गाड़ी हुई है वो सभी माफ होना चाहिए, हो चाहे PB नंबर हो, चाहे JK08 नंबर हो, क्योंकि देखो हमारे इधर हमारे जो पंचायतों में कई लोगों ने पंजाब नगर गाड़ी रखी हुई है, कई लोगों ने हिमाचल नंबर गाड़ी रखी हुई है, हम कहते हैं इन सभी को जो आधार कार्ड लेके उसका सभी को माफ होना चाहिए। जो इधर माफिए बैठे हैं, जो मास्टर कहता है मास्टर में आपका गुंडा है, उसको हम अरेस्ट करवाएंगे, आज क्यों करवाएंगे, जो जो दुनिया है एक आदमी ने दुनिया परेशान कर रखा है, हैं लोकतंत्र को दजिया उड़ा रहा है, जो लोग बोलेंगे वो ही होगा। हम कहते हैं मास्टर जी कौन है, वो क्यों मास्टर कहते हैं दलाल इधर का जो ठेकेदार ठेका लिया है, ठेका किस लिए लिया है, लोगों को परेशान करने के लिए ठेका लिए है। हम चाहते हैं जो JK08 गाड़ी है वो टोटली माफ होनी चाहिए। देखो पिछले दिन क्या हुआ कि हम उसके पास गए, मैं उसको बोला कि मां आटली बन्नी दे सारे पंच सरपंच सारे कट्ठे हुए आ देने, कट्ठे हुए आने का कारण ये है कि जी टोल प्लाजे पर गुंडागर्दी है। मैं तो 1.5 साल पहले का रड़ाना कि टोल प्लाजा लखनपुर के नहीं होना चाहिए, और अज तुम जीती जागती मिसाल दिख ली है, सरपंच साहब कने बदतमीजी करा देना, लोग सरपंच तक ही बर्दाश्त नहीं करा देना, बदतमीजी करा देना, गुंडे लेंदे देना, जम्मू तो गुंडे आए देना। मैं DC साहब की आग्रह करना चाहना कि टोल प्लाजा तो जल्द चुक लाओ, नहीं तो 2 साल पहले जी सा एजुटेशन ही वो तुम भखा दौ, क्योंकि SSP साहब भी आखना चाहना ये पर कार्रवाई करो कि जी गुंडे लेंदे देना इन्हें, लोकल लोगों कने बदतमीजी करा देना, लोग 1 किलोमीटर सफर नहीं करा देना, वो 80-80 रुपये 500-500 रुपये किस प्रकार का टोल देंगे। मेरी फर्स्ट लिए तो ये गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन आगे और SSP साहब आगे और लखनपुर म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान साहब आगे अहें गुहार करने हैं, किसी टोल प्लाजे की जल्द से बंद करो, और बंद नहीं करना JK08 की मेटाडोरा की, और जी सा ट्रैक्टर ने और साढ़े आटो ने और साढ़े JK08 है इसी माफ कराओ, नहीं तो 2-4 दिन के अंदर अंदर यह टोल प्लाजा सू लुभना नहीं है, ये पर बड़ा बड़ा एक अजूम जाना है, अजूम तो संभाल ही नहीं सकते, क्योंकि बदतमीजी जी है और चरम सीमा पर आई दी है, उन्हें बर्दाश्त को बाहर है।